हेलो गाइस, कैसे हूँ? आपका दोस्त सलीम खान। गाइस, आज आपको हम वेंटेक्स चेंजर के कनेक्शंस बताएंगे। ये देखिए, वेंटेक्स चेंजर जो है हमारा, ये 25 एम्पियर 415 वोल्ट का चेंज ओवर है। अब हम इसको आपका कनेक्शन कर दिखाते हैं किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, ये मैंने कनेक्शन कर रखे हैं। यहाँ पर ये जो दो केबल देख पा रहे हैं आप, ये जो केबल है हमारे दो लाइनों के हैं, एक जनरेटर का है और एक बिजली का है। तो हमने इन दोनों लाइनों में से ये एक केबल के तार आ गए। ये देखिए, इसके तार हमने यहाँ पर लगाए हैं, आपको दिखा देता है नज़दीक से। ये देखिए, ये यहाँ पर इसमें हमने तार लगा दिए हैं। ये दो तार देख पा रहे हैं, इसमें करंट है। एक तार ये है और एक तार ये है। ये हमारी एक लाइन हो गई अलग से। ये देखिए, बीच में हमारी ये आउटपुट है, जो कि आउटपुट का हमारा जो मेन केबल है वो यहाँ पर जाकर लग गया है। बीच में हमारा आउटपुट है और ये नीचे वाली तरफ हमारे जनरेटर के हैं। तो ये थ्री फेस का चेंज ओवर है। तो हमने इसे जो है कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। ये देखिए, एक साइड ये हमारी मेन लाइन है और एक साइड ये हमारी जनरेटर की है। ये दो केबल हमारे जनरेटर के आए हुए हैं, एक मेन का और एक जनरेटर का। एक तार ये देखिए, ये यहाँ से चेंजर में से निकल कर ये इस साइड में लग गया है जाके दोनों पॉइंटों पे। और ये जो दूसरे तार आए हैं हमारे पास यहाँ से, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे ये लग गए हैं यहाँ पर। बीच में ये हमारी आउटपुट रहेगी। तो इस तरीके से इस चेंजर से कनेक्शन किए जाते हैं। जैसा ही हम एक साइड में लाइन चालू करेंगे तो हमारी ये जो है इस पर चली जाएगी जनरेटर पर, और एक साइड में करेंगे हम तो ये हमारी मेन पर चली जाएगी। तो अब आपको हम लाइन चलाकर देखते हैं। देखिए भाई, लाइट आ गई क्या? यहाँ पर बटन खोल रहे हैं, यहाँ के ये से खोलते हैं बाहर वाले ही। ये देखिए हमारी लाइट आ गई है, अब हम इसे काटेंगे। बंद हुई ये, यहाँ से इन्वर्टर की चल रही है ना मेन। देखो अंदर जो बिजली की मेन है वो देखिए, ये हमारी यहाँ पर लाइन जनरेटर में चालू हो गई है।